मतलब आप लोग को पता है पिछला एक दो वीडियो राउंड 12 का बहुत ही डिफरेंट होता है हॉलीवुड के जैसे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ आर्डुविनी और इस वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग अपडेट जानने मिलेगा आपको, तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए आखिर तक देखिए। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। फर्स्ट न्यूज, सौरभ जोशी ब्लॉग्स के साइट से आ रहा है, तो आप लोग देख सकते हो सौरभ जोशी जो आर्ट्स चैनल है उसमें भी 675 वीडियोस है और ब्लॉग्स में भी 675 वीडियोस है। ऐसा बहुत ही कम होता है जो कोई किसी एक क्रिएटर का जिसका दो चैनल है तो उसके उसमें सेम मतलब वीडियोस अपलोड किया हुआ, ऐसा कम है, तो मैं इसीलिए ये न्यूज़ आप लोगों को बता दिया। नेक्स्ट न्यूज़, राउंड 12 की साइट से आ रहा है, तो राउंड 12 का कल ट्रेजर आउट हो गया, 19159 वाला वीडियो का ट्रेजर आउट हुआ, तो आप लोग बहुत लोग ही देख लियो, अगर नहीं देखो तो लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दे, आप लोग जाकर चेक कर सकते हो। तो मैं उसी वीडियो का रिलेटेड जो वीडियो अपलोड करने के 4 घंटे के अंदर 1 मिलियन व्यूज कंप्लीट कर दिया और ये जस्ट ट्रेजर है और ट्रेंडिंग नंबर 3 पे अभी भी ट्रेंड कर रहा है और आप लाइक डिसलाइक रेशियो देख सकते हो, मतलब 3 लाख से प्लस लाइक है और जिसमें 1500 से भी कम मतलब डिसलाइक है, यानी कि ये जस्ट ट्रेजर इतना हीट कर रहा है। और मैं पिछले वाला वीडियो में आप लोगों को बता चुका हूँ जो राउंड 12 का जो वीडियो आने वाला बहुत ही बवाल होने वाला, मैं इंटरेस्टेड मतलब बहुत ही एक्साइटेड हूँ ये वीडियो कब आएगा, रिलीजिंग डेट तो नहीं बताया। और देख के इस वीडियो में लगती था बहुत सारा एक्शन है और बहुत ही मतलब एक्साइटेड मतलब वीडियोस देखने मिल जाएगा, क्योंकि राउंड 12 का तरफ से राउंड 12 मतलब पिछले भी एक स्टोरी दिया था जिसमें एक बंदा उसको क्वेश्चन कर रहा था जो पहला जैसा वीडियो नहीं बना था उसका आंसर राउंड 12 ने बताया, तो जो वो हॉलीवुड के साथ टक्कर लेने वाला है, तो शायद ऐसा ही हम लोगों को देखने को मिल जाएगा। मतलब आप लोग को पता है पिछला एक दो वीडियो राउंड 12 का बहुत ही डिफरेंट होता है हॉलीवुड के जैसा, तो राउंड 12 तो बहुत ही बवाल मचाने वाला है यूट्यूब इंडस्ट्री में, यानी कि फुल मतलब वो उसको हम लोग को देखने का है कब तक वो नेटफ्लिक्स में आ रहा है। और इस वीडियो के लिए एक्साइटेड हूँ, अगर कुछ भी डेट मिल जाएगा तो मैं आप लोगों को इसी चैनल के थ्रू बता दूंगा। नेक्स्ट न्यूज, जस मलिक के साइड से आ रहा, तो जस मलिक का जो एल्बम आने वाला है 19 तारीख को, तो उसका मतलब फुल एल्बम्स का सॉन्ग कौन सा टोटल 9 सॉन्ग होने वाला है जिसमें से एक सॉन्ग रिलीज हो गया बैड मुंडा जो एमी बांद्रा के साथ कॉलेब सॉन्ग है और बहुत ही वो हिट गया और 10 मिलियन व्यूज भी क्रॉस करते और पूरा पोस्टर आउट हो गया एल्बम्स का जो हम लोग को 19 को देखने को मिल जाएगा। फर्स्ट जो सॉन्ग होने वाला है सकल का बूम बूम, सेकंड ताजमहल, थर्ड बैड मुंडा जो आउट हो गया ऑफिशियल म्यूजिक वीडियो के साथ, और 4 जान ले रखा और 5 जो है मर गया, 6 कामी और 7 यूमी, और 7 जो सॉन्ग है तेरे हो गया और 8 जो है स्टार बॉय। एक तो हिट हो गया बैड मुंडा और बाकी जो गाने हैं वो कैसा होने वाला है आप लोग बताना कॉमेंट में, आप लोग इस गाने के लिए एक्साइटेड कितना एक्साइटेड हो। और मैं तो बस एक्साइटेड था बैड मुंडा के लिए क्योंकि बंटाई की पब्लिक हूँ और बैड मुंडा हर रोज़ मैं सुन रहा हूँ 2-3 बार स्पीकर में लगा के, और आप लोग भी कैसा बैड मुंडा आप लोगों को कैसा लगा आप लोग ये भी कमेंट में जरूर। नेक्स्ट न्यूज, हर्ष बेनीवाल के साइड से आ रहा, आप लोग हर्ष बेनीवाल का मतलब चैनल में 1 महीना हो गया कोई वीडियो अपलोड नहीं हुआ, आखिरी जो वीडियो आया था हु किल जेसिका जिसका पार्ट 2 भी आने वाला, तो हर्ष बेनीवाल जितना फैंस है सब हर्ष बेनीवाल DM में कमेंट कर रहा है, DM कर रहा है जो हु किल जेसिका पार्ट 2 कब आएगा, अपकमिंग वीडियो के बारे में कुछ न्यूज़ मांगा, तो हर्ष बेनीवाल इसकी रिलेटेड कुछ स्टोरी पे कुछ बोला, आप तो खुद देख लो। देखो भाई जो DM कर रहे हैं कि जेसिका कब आएगा, जेसिका पार्ट 2 कब आएगा, तो मैं इधर चंडीगढ़ में हूँ, इधर वेब सीरीज शूट कर रहा हूँ, तो जब तक वेब सीरीज खत्म नहीं होती मैं दिल्ली नहीं जा रहा हूँ, और जब दिल्ली जाऊँगा तो मैं उसमें म्यूजिक करूँगा, तो उसके बाद ही आएगी, और कुछ 6-7 दिन बचे हैं जब मैं दिल्ली जाऊँगा, तो तब तक का वेट कर लो, परेशान मत हो क्योंकि आप बार बार पूछ रहे हो, इसलिए मैं सोचा अभी बता दूं, तो थोड़ा टाइम लगेगा 6-7 दिन जितने हैं, उसके बाद मैं जाऊंगा एडिटिंग करूंगा, जो थोड़ी सी बची है, जस्ट थोड़ी सी बची है, 10% बची है बस, तो वो डाल दूंगा, ठीक है। वरना प्लान तो था कि जुलाई के फर्स्ट वीक में आ जाएगी, बट फिर मैंने वेब सीरीज साइन कर दी, अब यार क्या यार बाय। तो साथ ही में हर्ष बेनीवाल अभी चंडीगढ़ में है, तो किसी वेब सीरीज के साथ मतलब वेब सीरीज हर्ष बेनीवाल का आने वाला है जिसका टोटल 10 एपिसोड होगा, इसके रिलेटेड भी हर्ष बेनीवाल कुछ कहा, आप लोग खुद देख लो। जब आएंगे 10 एपिसोड वेब सीरीज के तो तुमको अच्छा लगेगा ना, है तुम्हारा भाई है उसके मतलब क्या बोल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि जब मेरे 10 एपिसोड आएंगे वेब सीरीज के तो आपको अच्छा लगेगा ना यार कि मैं एक वेब सीरीज में काम कर रहा हूँ, 10 एपिसोड है, फनी है, बढ़िया एक्टिंग देखने को मिलेगी, एक साथ 10 मिल रहे हैं, ठीक है, तो बस वो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लो, ठीक है। बाकी नेक्स्ट न्यूज, नुमान शुभम के साइड से आ रहा, तो आप लोग को इसको पता है मतलब लॉकडाउन में एक मतलब एक ब्लॉगर एक टाइप का है जो कंट्री ट्रेवल करता है, 40+ कंट्री अभी तक ट्रेवल कर चुका है और अभी जस्ट 20-21 का ये एज में, और ये लॉकडाउन में बहुत सारा मतलब सब्सक्राइबर गेन किया है, तो ये मतलब अभी मतलब वो गया था एक अफगानिस्तान टूर में, तो
उसका अफगानिस्तान में अभी क्या हो रहा है आप लोगों को पता है, तालिबान पूरा अटैक कर चुका है अफगानिस्तान, पूरा अफगानिस्तान दखल कर लिया। तो उसका नुआन शुभम का जितना फैंस है उस मतलब कमेंट में कमेंट कर रहा है जो अफगानिस्तान अभी सेफ नहीं है, तुम जल्दी आ जाओ। इसके रिगार्डिंग शुभम कम्युनिटी पोस्ट में एक पोस्ट किया जिसमें लिखा था लॉट्स ऑफ पीपल आर कमेंटिंग इन अफगानिस्तान वीडियो दैट आई शुड लीव अफगानिस्तान, गाइस आई एम इन ऑलरेडी लेफ्ट इन रशिया नाउ। तो वो अभी रशिया में है और सेव है। और गाइस आप लोग अफगानिस्तान के बारे में क्या कहते हो, बस मेरे तरफ आप लोग सब दुआ करो, ब्लीज करो अफगानिस्तान के पीपल्स के ऊपर, क्योंकि अफगानिस्तान जो अभी हो रहा है वो मतलब नहीं होने चाहिए। प्लेन्स में पीपल पंखा के ऊपर झूल झूल के जा रहा है, गिर गया, आप लोग भी बहुत लोग ये वीडियो देखा, तो आप लोग जस्ट ब्लीज। बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, खुदा हाफिज़, टेक केयर। अगर इस वीडियो को आप लोग 1% भी पसंद किए हो तो 1 लाइक करके जाना। मिलते हैं कल या नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी नए न्यूज़ के साथ।